वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक डिफरेंट वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम बात करने वाले ऐसी टीम की, ये बेसिकली एक फिक्शनल वीडियो होने वाली है, ये हमारी कल्पना का वीडियो होने वाला है। ऐसा कुछ हकीकत में होने वाला नहीं है, लेकिन हम ऐसा काल्पनिक चीज़ें बना के कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। फटाफट से मैं इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। तो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि अभी अभी जो नॉर्डविन गेमिंग का मास्टर सीरीज खत्म होता है और वो जीत लिया ग्लोबल स्पोर्ट्स ने, आप सबको पता ही होगा बहुत ही बढ़िया खेला ग्लोबल स्पोर्ट्स ने। लेकिन हम एक ऐसी टीम बनाने वाले हैं जो ओवरऑल ग्रैंड फाइनल्स में खेली थी टॉप 16 में, और ग्लोबल स्पोर्ट्स के अलावा हम 15 टीमों में से कोई भी 4 प्लेयर को लेंगे और अपनी बेहतरीन टीम बनाने की कोशिश करेंगे जो ग्लोबल स्पोर्ट्स को हरा सके। तो हम ऐसी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया गया कि ये प्लेयर ने अच्छा खेल रहा है तो इस टीम में जाने वाला है या उस टीम में जाने वाली है। कोई भी टीम अपनी छोड़ नहीं रहा है और ये बेसिकली फिक्शन वीडियो होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए एक असल्टर, और एक असल्टर बहुत ही बढ़िया चाहिए, तगड़ा असल्टर जो सबको लॉबी में ढूल सकता है। और वो असल्टर हमने लिया गॉड लाइक का जॉनाथन। बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, इस टूर्नामेंट के MVP है और सेकंड हाईएस्ट टॉप रैगर में भी रहे थे। से ऑलमोस्ट 37 फिनिशेस थे, बहुत ही बढ़िया खेला था जॉनाथन ने और तहलका मचा दिया था। एक एक मैच में 12 फिनिश लेके जा रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। तो मैंने फर्स्ट प्लेयर अपना चुना है जॉनाथन, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है जॉनाथन, और वो टीम में होंगे तो टीम का गन पड़ाव बहुत ही ज़्यादा होगा। सेकंड प्लेयर की बात करते हैं तो सेकंड प्लेयर हमने लिया है सोल के गॉबलिन। क्या ही खेले, 38 फिनिश निकाले टोटल फाइनल्स में, टॉप फेगर है, बहुत ही बढ़िया खेला। MVP भले ही नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइनल्स में फिनिशेस निकाले उन्होंने, बहुत ही बढ़िया खेला गॉबलिन ने। गॉबलिन भी अपनी वर्क प्रूफ करते रहे पूरे टूर्नामेंट में, और जब हमारे पास ऐसे दो असल्टर होंगे तो टीम का गन पावर आप सोच सकते हैं। सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी जॉनाथन और उभरता सितारा गॉबलिन, बहुत ही बढ़िया, दोनों MVP प्लेयर है और बहुत ही अच्छा खेलते हैं सारे प्लेयर। तो फटाफट से हम थर्ड प्लेयर की बात कर लेते हैं। तो थर्ड प्लेयर भी हमने चुना है असल्टर, हमने एक टीम में 3 असल्टर भर दिया। पूरा गन पावर हमें चाहिए था क्योंकि लॉबी को डिस्ट्रॉय कर दी गई ये टीम, ऐसी हमने टीम बनाई कि लॉबी को फुल टू बूम बाम बचा दिए। इसलिए हमने थर्ड प्लेयर चुना है OG के, ओरंगुटान स्पोर्ट्स के AKOP। AKOP भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, टॉप 5 में रहे हैं, MVP में भी बहुत ही बढ़िया खेला AKOP ने। आप उनके स्टेट आप देख ही सकते हैं, स्टेट्स आप लेफ्ट हैंड साइड पे। और फटाफट से हम फोर्थ और आखिरी प्लेयर की बात कर ले, वो हमने असल्टर नहीं लिया, सारे के सारे असल्टर थोड़ी भर दूंगा। अब हमें चाहिए था आइजल, इतने सारे बहुत ही आइजल थे, लेकिन जो आइजल थे वो उतना अच्छा भी प्रदर्शन नहीं रहा था, और हमें ऐसा आइजल चाहिए था जो एक्सपीरियंस हो। और पूरी इतनी अग्रेसिव टीम बनाई हमने जॉनाथन AKOP गॉबलिन, तो इनको हैंडल कर सके, कंपोज प्लेयर चाहिए था, एकदम शांति से खेले। तो हमने बहुत ही बढ़िया आइजल को चुना है, वो है स्काईलाइट गेमिंग के सोमराज, बहुत ही बढ़िया प्लेयर स्काईलाइट के सोमराज, बहुत ही अच्छा खेलते हैं आइजल भी। आप उनके टीम के स्टैंड आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं, उनके टीम बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट थे, लेकिन उनके टीम के फिनिशेस नहीं थे, तो मतलब कि वो जोन में तो अपने टीम को लेके जाते हैं, सर्वाइव भी करते हैं, लेकिन फिनिशेस नहीं कर निकाल पाते। लेकिन ऐसी टीम होगी टॉप फैगर, पूरे 3-3 हमने टॉप फैगर भर दिया है, तो वो सोच सकते हैं आप कितनी बेहतरीन हमारी टीम हो चुकी है। तो फटाफट हमें आपको 4 प्लेयर बता देता हूँ। फर्स्ट हमारा है आइजल सोमराज, फर्स्ट असल्टर हमारा है जॉनाथन, सेकंड असल्टर हमारा है गॉबलिन, और थर्ड असल्टर प्लस सपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं AKOP को। बहुत ही बढ़िया टीम है, आप भी अपनी टीम ऐसी फिक्शनल टीम बना सकते हैं, कोई आपको प्लेयर ऐसा लग रहा हो कि ये प्लेयर की एक जगह ये प्लेयर हो सकता है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट वीडियो है, ऐसा कुछ छोड़ने नहीं वाला है, सबको पता है जॉनाथन गॉडलाइक नहीं छोड़ेगा, गॉबलिन नहीं छोड़ेंगे, AKOP नहीं छोड़ेंगे, सोमराज अपनी टीम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बेसिकली फन एक्टिविटी है, हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, कुछ हमने न्यू ट्राई किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक करो। हम मिलेंगे आपको वीडियो में, ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको वीडियो में, तब तक ले बाय।